आप देख रहे हैं खबर आपकी राजस्थान न्यूज चैनल। प्रतापगढ़ शहर के बस स्टैंड क्षेत्र में रविवार दोपहर को पंकज ट्रेडर्स के नाम से संचालित दुकान पर नकली 30 नंबर बीड़ी का मामला उजागर हुआ, जिसका मामला पुलिस में दर्ज करवाया गया। जानकारी के अनुसार बैंगलोर कर्नाटक की 30 नंबर बीड़ी की कंपनी को लंबे समय से सूचना मिल रही थी, जिस पर रविवार को कंपनी के कुछ लोग प्रतापगढ़ में संचालित दुकान पर बोगस ग्राहक बनकर विमल, तानसेन व 30 नंबर बीड़ी के पैकेट खरीदे, जिसमें 30 नंबर की जांच की गई तो वह नकली पाए गए। वह इसकी सूचना थाने में दी गई। मौके पर पुलिस पहुंची व दुकान से नकली 30 नंबर बीड़ी के 70 छोटे पैकेट एवं 5 बड़े बंडल के पैकेट बरामद किए। साथ ही पुलिस ने मौके से दुकानदार राजेश जुआ को थाने ले गई। इधर बेंगलोर कर्नाटक कंपनी से आए गोविंद सिंह, पिता लक्ष्मण सिंह राठौर निवासी झांसी उत्तर प्रदेश, ने मामला दर्ज करवाकर बताया कि लंबे समय से शिकायत मिल रही थी, इसको लेकर यहां मौके पर जाकर हमने दो जनों को बोगस ग्राहक बनाकर भेजे, जिसमें शिकायत सही पाई गई, पुलिस में मामला दर्ज करवाया। इधर शहर कोतवाल बाबूलाल मुरारिया ने बताया कि इस मामले में पंकज ट्रेडर्स के मालिक राजेश जुवा को पुलिस लेकर आई। वे पुलिस द्वारा मालिक राजेश से पूछताछ की तो कई देर बाद उसने अरनोद में भी नकली माल होने की सूचना दी, जिस पर तुरंत कार्यवाही को लेकर पुलिस व कंपनी के कुछ व्यक्ति अरनोद के लिए रवाना हुए, जहां देर शाम तक जांच जारी रही। खबर आपकी राजस्थान से, दिलीप टांग की रिपोर्ट। पंडल कंपनी के एजेंट आए थे और उन्होंने बताया था सर आपके यहाँ प्रतापगढ़ बस स्टैंड पर 30 नंबर भीड़ नकली बीड़ी बिक रही है, जिस पर थाने से ASI पारस कुमार को भेजा था, जिस पर एक व्यापारी राजेश सनोप धनपाल महाजन निवासी हवलदार होटल बस स्टैंड को पकड़ कर लेके आए। उसके कब्जे से 30 नंबर बीड़ी के नकली पैकेट, 70 तो छोटे और 5 बड़े पैकेट पकड़े, और ये कहाँ से लेके आता है इस बारे में उससे अनुसंधान जारी है। इसके खिलाफ धारा 102, 103 ट्रेडमार्क अधिनियम और 4 420 IPC का मुकदमा दर्ज।